हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो था वो हम लोगों को फोर्स के बारे में डिफाइन करता था कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है उसको चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ये कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन चेंज करने में, मतलब उसको मोशन में लाने के लिए जो फैक्टर काम करता है दैट इज इक्वल टू फोर्स फैक्टर। उसी प्रकार से यदि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए जो फैक्टर काम करेगा दैट इज इक्वल टू फोर्स फैक्टर। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था इट वॉज अबाउट द फोर्स स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ जो है वो ये इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ये बताता है कि किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। क्योंकि जो सेकंड लॉ था वो इंडिकेट करता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंजेस टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में जिस रेशियो से या जितने पावर से आप फोर्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हो उसी हिसाब से उस बॉडी का जो लिनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है। जो थर्ड लॉ है वो इसके बारे में बताएगा कि जो फोर्स है वो कभी भी एक बॉडी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती। मतलब जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो फोर्स किसी एक बॉडी के द्वारा क्रिएट नहीं होता, फोर्स हमेशा दो बॉडी के ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझे, यदि मैं एक स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ, लेट मी से दैट मेरे पास में एक स्प्रिंग है इस तरीके से। यदि मैं इस स्प्रिंग को मेरे हाथ के द्वारा, मतलब मेरा जो हाथ है उसके द्वारा मैं इस स्प्रिंग को यदि मैं कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि स्प्रिंग कंप्रेस करने पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो मेरे हाथ के द्वारा इस स्प्रिंग के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाती है तो हमारे हाथ के ऊपर भी स्प्रिंग जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जिस डायरेक्शन में बेटा मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फील कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और स्प्रिंग जो है हमारी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे ना लग के कि दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है। जैसे एक फोर्स जो है वो हमने लगाया है और दूसरा फोर्स जो स्प्रिंग ने लगाया है। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स है वो किसी एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना हो के दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड सॉरी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो व्हाट वी कंक्लूड दैट फोर्स नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर। फोर्स नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। फोर्स हमेशा हमारे पास में पेयर्स के अंदर लगेगा। ठीक है, और जब दो बॉडी का जो पेयर्स बनेगा, ठीक है, उसमें एक जो बॉडी जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक्शन कर रहा है। जैसे कि यदि मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो मेरा हाथ है वो यहाँ पे एक्शन कर रहा है, और जो बॉडी उस एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे वो बॉडी रिएक्शन कर रही है। तो यहाँ पे जो है मेरा हाथ है वो एक्शन कर रहा है और जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे एक रिएक्शन कर रही है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ के द्वारा फोर्स लगाया गया है वो एक्शन और स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे जो है दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन ये है तो दूसरे फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास में ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना एक्शन हम लोग करेंगे उतना ही हमारे पास में रिएक्शन होगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ओके, मान लीजिए एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। तो यदि मैं कहूँ कि फोर्स लगाया जा रहा है ए बॉडी के ऊपर, किसके द्वारा? बी बॉडी के ऊपर, बी बॉडी के द्वारा। तो हम उसको लिखेंगे फोर्स ऑन ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी। ये हमारा कंसेप्ट, इसको समझिए, ऑन और बाई। तो फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी। सिमिलरली हम लोग यदि लिखें तो ये लिखा जाएगा फोर्स ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए।
तो क्योंकि यहाँ पे पहले केस में फोर्स एग्जिटेड बाई बॉडी ए, लेट मी से दैट मेरा हाथ जो है वो ए है, तो फोर्स एग्जिटेड बाई बॉडी ए ऑन बॉडी बी, स्प्रिंग को मैं बी मान सकता हूँ, तो ये पहली सिचुएशन है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैंसिल हो जाएगी ये वाली, कभी जब फोर्स एग्जिटेड बाई बॉडी ए ऑन बॉडी बी। दूसरी सिचुएशन में देखिए, फोर्स एग्जिटेड बाई बॉडी बी ऑन ए, तो अभी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास में ये वाली। तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि दोनों जो फोर्स लग रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। सो वॉट वी कैन से दैट फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए। दोनों के दोनों फोर्सेज को मैं इक्वल पुट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास में इक्वल है, क्योंकि जितना फोर्स मैं मेरे हाथ के द्वारा स्प्रिंग पे लगाता हूँ उतना स्प्रिंग जो है मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जितना एक्शन होता है उतना है मेरे पास में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे दोनों का फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हम लोग ये देखते हैं कि एक जो बुक है वो एक टेबल पे रखी हुई है, तो बुक जो है वो उस टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा जीरो। सपोज ये मेरे पास में एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक जो है बुक रखी हुई है, तो ये जो बुक है ये एक फोर्स लगाएगी टेबल पे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, वाइल जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जितना हमारे पास में एक्शन हो रहा है उतना ही हमारे पास में रिएक्शन हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास में यहाँ पे जीरो निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, इसलिए जो टेबल पे रखी हुई बुक है ये रेस्ट पोजिशन में। और यही हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता था, यदि हमारे पास में नेट फोर्स जीरो होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी सिचुएशन में रहेगा जिस सिचुएशन में वो पहले से था। मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। ओके, सेकंड एग्जांपल समझते हैं। अ पर्सन स्विमिंग इन द रिवर। हम लोग ये देखते हैं कि जब एक आदमी नदी के अंदर तैर रहा होता है या तालाब के अंदर तैर रहा होता है, तो उसकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो एक्शन करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि उसके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारे पास में इधर एक्शन करेगी, तो ह्यूमन बॉडी के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो क्या होता है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना एक्शन वो करेगा उतना मेरे पास में रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन, तो हम लोग ये देखते हैं कि यदि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, ठीक है, तो जो बुलेट है वो हमारे पास में स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, और जबकि गन जो है वो हमारे पास में रिकॉइल करती है, रिकॉइल मतलब पीछे की डायरेक्शन में वापिस आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है तो बुलेट तो बहुत आगे तक जाती है और गन तो बहुत कम मात्रा में पीछे जाती है, तो बेटा हम लोग ये जानते हैं कि गन जो है उसका वेट ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू बुलेट। तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो कहती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो आ जाएगा एफ अपॉन एम। मतलब कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। इसलिए गन का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, इसलिए बुलेट जो गन है वो कम कम डिस्टेंस पीछे ट्रेवल करेगी, जबकि जो हमारे पास में बुलेट है उसका मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी, उसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन समझिए। अभी तक बेटा मैंने आपको ये समझाया कि जितना हमारे पास में एक्शन होगा उतना ही हमारे पास में रिएक्शन होगा, और ये बात सही भी है कि जितना एक्शन हो रहा उतना रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए हम लोगों ने एक बॉल जो है वो दीवार पे फेंक के मारी, तो जितना फोर्स हम लोगों ने उस बॉल के ऊपर लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बॉल जो है वो दीवार की तरफ मूव कर रही है टकराने के लिए, उतना ही फोर्स जो है वो दीवार लगाएगी उस बॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, और बॉल टकरा के हम तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो वो था एक्शन, और जब दीवार ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो वो था हमारे पास में रिएक्शन।
तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जितना एक्शन हुआ उतना ही हमारे पास में रिएक्शन हुआ। दूसरी चीज़ ये कि एक्शन करने वाली जो बॉडी है वो अलग होगी और जो रिएक्शन करने वाली जो है वो बॉडी है वो अलग होगी। फोर्स जो है वो कभी भी एक बॉडी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, हमेशा फोर्स लगाने के लिए दो बॉडी रेस्पॉन्सिबल होंगी। और यही कौन कहता है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ये जितना हमारे पास में एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन होगा, बट फोर्स अप्लाइड बाय द टू अदर ऑब्जेक्ट या टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी कि फोर्स जो हमेशा दो बॉडी के द्वारा लगाया जाता है और दोनों बॉडी जो है वो अलग अलग होंगी। ठीक है, ओके। और ये भी चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि जितना एक्शन होगा उतना ही हमारे पास में रिएक्शन होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको उससे पूछना चाहता हूँ कि हम जो है एक कार के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो मान लीजिए हम लोगों ने कार के ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, तो हम लोगों ने एक्शन किया कार के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा के। अब जो कार है वो भी हमारे ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाएगी रिएक्शन करके, और एक्शन और रिएक्शन क्या हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो फिर कार जो है वो आगे की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है और हम जो है वो पीछे की डायरेक्शन में चलना शुरू नहीं करते, हम तो उसी जगह पे खड़े रह जाते हैं और कार जो है वो आगे की डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों? यदि दोनों के दोनों एक्शन और रिएक्शन सेम है तो जितनी कार आगे चलती है उतना ही हम लोगों को पीछे चलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है फिर कि कार आगे चलकर हम लोग पीछे नहीं चले, वहीं के वहीं खड़े रह गए? तो इसको हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं बेटा कि मैंने बोला कि जो फोर्स लगता है वो एक्शन और रिएक्शन में लगता है, और दो बॉडी के दो जो फोर्स लगाएंगे वो दो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक सिचुएशन है कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। जब बॉडी ए है उसने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और बॉडी बी जो है उसने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो इस केस में हमारे पास में टोटल जो फोर्स लगा दोनों बॉडीज़ के ऊपर वो हो जाएगा हमारे पास में 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। यही जो सिचुएशन है हमारी जो कार वाला जो कंसेप्ट है कि कार आगे की डायरेक्शन मूव करती है और हम लोग पीछे की डायरेक्शन मूव क्यों नहीं करते, उसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कार है, ये हम लोग खड़े हैं और ये हमारे पास में सरफेस है। तो देखिए, जब हम लोग कार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम मान लीजिए हम लोगों ने कार के ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने कार के ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन और जो कार है उसने भी हमारे ऊपर, सॉरी, हम लोगों ने कार के ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, तो इस केस में जो कार है वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही होगी कितना, 100 न्यूटन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना एक्शन हो रहा है उतना ही हमारे पास में रिएक्शन हो रहा है। तो यदि मैं कार के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो ये मैंने किया एक्शन। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं यदि ये एक्शन कर रहा हूँ तो मैंने अपना रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो सरफेस है उसकी मैंने हेल्प ली। तो यदि मैं सरफेस की हेल्प लेता हूँ तो मैं सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कितना, 100 न्यूटन। तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है जो मैंने कार के ऊपर 100 न्यूटन लगाया था और उसका जो एक्शन किया मैंने कार के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा के, उसका जो रिएक्शन होगा वो मैंने ग्राउंड के हेल्प से कंप्लीट कर लिया और मेरे ऊपर ग्राउंड पे मैंने एक रिएक्शन कर दिया और वो रिएक्शन आ गया मेरे पास में 100 न्यूटन। तो ये हुआ था मेरा एक्शन और ये हुआ था मेरे पास में रिएक्शन। तो 100 न्यूटन ये जो था ग्राउंड के साथ में 100 न्यूटन से कैंसिल हो गए, तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो आया 0। ओके, रिजल्टेंट फोर्स आया मेरे पास में 0। कैसे भाई, फिर से समझिए, मैं एक पर्सन हूँ जो कार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन। ठीक है, तो कार क्या कर रही है, मेरे ऊपर अगेंस्ट एक फोर्स लगा रही है 100 न्यूटन, तो मुझे 100 न्यूटन जो है पीछे की डायरेक्शन में मूव कर जाना चाहिए। लेकिन उस मूव को रोकने के लिए मैंने, जो कार ने मेरे ऊपर एक्शन किया था तो उस एक्शन को रोकने के लिए मैंने सरफेस की हेल्प ली और मैंने सरफेस के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो जो कार ने मेरे ऊपर लगाया था उसका अपोजिट डायरेक्शन मैंने सरफेस के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो सरफेस का फोर्स था और कार का फोर्स था वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0।
यदि दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे तो मेरे पास में जो मेरे ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो, और कार के ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास हो जाएगा 100 न्यूटन, जिसकी वजह से कार जो है वो मूव करना शुरू कर देती है और हम जो अपनी पोजिशन के ऊपर स्टे रहते हैं। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि यदि मैं अर्थ सरफेस के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो ये 100 न्यूटन पीछे जानी चाहिए, जैसे 100 न्यूटन कार के ऊपर आगे लगातार आगे चलना शुरू हो गई, उसी प्रकार से यदि सरफेस के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो पीछे जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सरफेस का मास है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो बुलेट है वो बहुत आगे जाती है जबकि गन बहुत पीछे जाती है, क्योंकि गन का मास ज़्यादा था जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो जिसका मास इतना ज़्यादा होगा, तो अर्थ सरफेस का मास इतना ज़्यादा है कि कंपेरिजन टू 100 न्यूटन के, यदि हम लोग उसको 100 न्यूटन फोर्स से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अर्थ हम लोगों को पीछे खिसकती हुई दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो कार जो है वो आगे मूव करती है और हम जो है वहीं की वहीं खड़े रह जाते हैं। ये कंसेप्ट था छोटा सा, आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, एक प्रॉब्लम हमारे पास में जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। पहले इस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से है कि एक कार्ट है जिसको हम लोग गाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे घोड़ा और गाड़ी की समस्या चल रही है। तो ये एक हमारे पास में कार्ट है, इस कार्ट का एक वेट है और हम लोग ये जानते हैं कि जो वेट है वो इक्वल टू होता है मास इंटू में ग्रेविटेशन फोर्स mg। तो वेट जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है W1, तो W1 जो यहाँ पे वेट ऑफ द कार्ट है। हम लोग ये जानते हैं कि हर एक एक्शन जो होता है उसके इक्वल टू एक रिएक्शन होता है। तो यदि ये हमारे पास में एक्शन हुआ तो इसके अपोजिट हम लोगों ने एक रिएक्शन बना दिया, दैट इज इक्वल टू R1। तो जितना हमारे पास में एक्शन होगा उतना ही हमारे पास में रिएक्शन होगा और ये जो कार्ट है ये बैलेंस ही कंडीशन में खड़ा रहेगा। कार्ट जब आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कार्ट को पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, या ये कहें कि जब कार्ट आगे जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमारे पास में एक हॉर्स है, ये जो हॉर्स है इसका भी एक वेट है, तो मान लीजिए उसका वेट जो है वो W2 है। तो ये इसका यहाँ पे जो W2 वेट है हॉर्स का, तो वो जितना एक्शन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम लोगों ने लिख दिया R2 नाम से। तो जितना एक्शन हुआ उतना हमारे पास में रिएक्शन होगा और कार्ट जो हो बैलेंस सॉरी हॉर्स जो है वो हमारे पास में बैलेंस हो गया। ओके, यहाँ पे जो कार्ट है वो हॉर्स को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो T1 नाम की टेंशन लगाता है स्ट्रिंग के अंदर, वो उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। जो हॉर्स है वो कार्ट को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग के ऊपर या इस रस्सी के ऊपर T2 नाम की टेंशन क्रिएट करता है स्ट्रिंग के अंदर, और वो इसको इधर खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घोड़ा जो है वो कार्ट को आगे की तरफ खींच के ले जाएगा, इसलिए जो T2 है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, T1 से। लेकिन बच्चों मान लीजिए गाड़ी में बहुत सारा वजन है, घोड़ा हल्का पड़ेगा, तो गाड़ी जो घोड़े को पीछे खींच के लेके जाएगी, मान लीजिए एक ढलान की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में जो T1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा T2 से। लेकिन अभी जो हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो घोड़ा जो गाड़ी को खींच के लेके जाएगा तो T2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा T1 से। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो घोड़ा है वो अपने पैर से अर्थ को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। यदि वो पैर से अपने अपने पैर से अर्थ को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब कि वो एक एक्शन कर रहा है, और एक्शन करेगा मतलब कि वहाँ पे वो फोर्स लगाएगा अपने पैर से अर्थ को पीछे धकेलने के लिए। तो जब वो फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स का हम लोगों ने एक नाम दे दिया F1, क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है फोर्स का, तो डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा होगा, उस रिएक्शन को हम लोगों ने लिख दिया R। ये जो R है यहाँ पे ये इंक्लाइन लाइन में है, जो इस एक्सिस के साथ में मतलब जो टेन स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के साथ में वो थीटा नाम का एंगल बनाता है। तो जब इंक्लाइंड हमारे पास में रिएक्शन है तो उसके हम लोगों ने दो कंपोनेंट बना लिए, एक कंपोनेंट बन जाएगा R cos थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा R sin थीटा। R sin थीटा जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा इस वेट से, क्योंकि जितना एक्शन उतना हमारे पास में रिएक्शन, और जो R cos थीटा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास में उस कार्ट को
आगे ले जाने में हेल्प करेगा। मतलब आरकोस थीटा जो है इस कार्ड को स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमेशा जो आरकोस थीटा जो है उसकी वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यदि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो आरकोस थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, जो घोड़ा है उस कार्ड को खींच के आगे नहीं ले जा पाएगा। तो वी शुड कैप्ट इन माइंड दैट द वैल्यू ऑफ द आरकोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। दिस एंड दैट दिस इज द ओनली कंडीशन वैन वैन द कार्ट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द आरकोस थीटा शुड बी हाई या शुड बी मोर एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारे पास में कुछ सिचुएशन है, तो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। द वेट ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन आर वन, इसके द्वारा द वेट ऑफ द हॉर्स इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन आर टू, बैलेंस्ड बाय द आर टू। ओके, द हॉर्स पुल द कार्ट विद ए फोर्स टी वन, और जो कार्ट है वो खींचेगा टी टू से। ठीक है, हम लोग एक बैलेंस कंडीशन मान के चलते हैं, जो हॉर्स है वो एक फोर्स लगाएगा यहाँ पे एफ वन नाम को, उसके अपोजिट एक रिएक्शन होगा, और ऐसा करने पे इसके दो कंपोनेंट हमारे पास में बने, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। आर कोस थीटा जो है वो शुड भी होना चाहिए ग्रेटर देन किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। ये हमारे पास में एक नेसेसरी कंडीशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ। कल हम लोग जो है ये देखेंगे कि जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास में रियल लॉ है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ के अंदर ही आता है, और जो थर्ड लॉ वो भी सेकंड लॉ के अंदर डिफाइन हो जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शंस वगैरह, लिफ्ट में हम लोग जो चलते हैं तो कभी कभी हल्का लगता है हमारे कि हमारा वजन कम हो रहा है, कभी लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो उन सब के पीछे क्या कंसेप्ट है। खैर फिलहाल बेटा आप लोग जो है इतना पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।